अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ स्टडी के अभिलाष आपका स्वागत करते हैं। आज जानेंगे क्यों कहा जाता है मेरा भारत महान, व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ ग्रेट नेशन इन द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में हिंदुस्तान को महान देश माना गया है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य आज जानते हैं। कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आप सभी को जानना चाहिए हिंदुस्तान के बारे में। तो आइए हमारे शरीर का CPU यानी कि ब्रेन को अपडेट करते हैं एंड जानते हैं हिंदुस्तान के बारे में कुछ रोमांचक और बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। भारत यानी कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको हम ब्यूटी एट इट्स बेस्ट कह सकते हैं। उनमें से एक यूनिक है हमारे मुंबई की बांद्रा वर्ली सीलिंग। क्या आप जानते हैं इसकी बनावट में जितना इस्पात यानी स्टील का प्रयोग हुआ है, उस स्टील से हमारे पृथ्वी धरती यानी कि अर्थ की परिधि या सरकमफेरेंस की लेंथ का एक पूरा वायर बनाया जा सकता है। हीरा यानी कि डायमंड लड़कियों द्वारा पसंद किए जाने वाले नायाब तोहफों में से एक होता है डायमंड या उससे बनी ज्वेलरी। क्या आप जानते हैं 18वीं सदी तक हिंदुस्तान मात्र ऐसा देश था जहां हीरा पाया जाता था। सो अंटिल 18th सेंचुरी इंडिया वाज ओनली सोर्स ऑफ डायमंड्स इन द एंटायर वर्ल्ड। है ना हम रिची रिच। हिंदुस्तान में रहते हैं तो कुंभ मेला हम सभी जानते हैं। क्या आपको पता है 2011 का कुंभ मेला दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग थी। इट वॉज कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल विथ ओवर 75 मिलियन पिलग्रिम्स, द ओनली गैदरिंग एवर विजिबल फ्रॉम स्पेस। अंतरिक्ष से दिखा था हमारा कुंभ। ये हैरान कर देने वाली एक बात है, शैम्पू हिंदुस्तान में ही इसका इन्वेंशन हुआ था। शैम्पू वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया बाई यूज ऑफ हर्ब्स। द वर्ड शैम्पू इटसेल्फ हैज बीन डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड चंपू विच मीन्स टू मसाज। ये पढ़ करके आपको चंपी की याद जरूर आई होगी। कबड्डी खेल हम सब ने खेला भी है, देखा भी है और जानते भी हैं। क्या आप जानते हैं इंडियन नेशनल कबड्डी टीम बोथ मैन एंड वीमेन हैज वॉन ऑल वर्ल्ड कप्स टिल डेट। ये भी एक हैरतअंगेज बात है। महान भारतीय आयुर्वेदाचार्य आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था जीरो, विदाउट विच मैथमेटिक्स वुडंट हैव एग्जिस्टेड। सो जीरो मेक्स इंडिया हीरो। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जानवरों का बहुत शिद्दत से ख्याल रखा जाता है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं इंडिया हैज़ अ स्पा जस्ट फॉर एलिफेंट्स। एलिफेंट्स रिसीव बाथ्स, मसाजेस एंड इवन फूड एट द एलिफेंट सेंटर इन केरला। नाउ दैट्स अ बिगेस्ट स्टेप फॉर द कंट्री, राइट। हिंदुस्तान में जानवरों को मानने की माइथोलॉजिकल वजह भी हैं, क्योंकि इन जानवरों का बहुत बड़ा योगदान रोल माइथोलॉजी में रहा हुआ है, इसलिए लोगों की भावनाएं इनसे जुड़ी रहती हैं। योगा से आज की डेट में हिंदुस्तान क्या सारा विश्व अच्छी तरह से वाकिफ है। क्या आप जानते हैं दुनिया को योगा किसने दिया? जी हाँ, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। एक मशहूर गाना अभी तो मैं जवान हूँ हिंदुस्तान में ही बना था। इंडिया इज कंसिडर्ड एज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स यंग पॉपुलेशन। ये गाना इस लाइन को पूरी तरह से सूट करता है, हम फॉरएवर जवान हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं सांप सीढ़ी और लूडो जैसे खेल की शुरुआत हिंदुस्तान में ही हुई थी। सांप सीढ़ी स्नेक्स एंड लैडर, जिसे पहले मोक्ष पाटमो के नाम से जाना जाता था, इसकी खोज इसलिए की गई थी ताकि इसके माध्यम से बच्चों को कर्मा के मॉरल लेसन समझाए जा सकें, मौलिक ज्ञान देने के लिए बच्चों को। आज दुनिया भर में ये दोनों खेल बहुत ही मशहूर हैं। माना गया है कि लूडो का आविष्कार इंडियन गेम, एक भारतीय गेम था पचीसी, जो थोड़ा सिंपल था लूडो से, बट उसी गेम से कहा जाता है कि लूडो की शुरुआत हुई। पचीसी खेल हिंदुस्तान में 6th सेंचुरी में क्रिएट किया गया था, जिसका डिपिक्शन एलोरा की गुफाओं में भी मिलता है। इस खेल के ओरिजिनल वर्जन का डिस्क्रिप्शन महाभारत में भी है, वेयर द्रौपदी वॉज पुट ऑन स्टेक बाय पांडवास। दिस इज वेरी वेल नोन टू ऑल ऑफ अस। इसे उस वक्त चौपड़ कहा जाता था।
पचीसी को चौपड़ कहा जाता था और माना गया है कि कंटेम्प्रेरी वर्जन पचीसी चौपड़ का मुगल एम्परर्स द्वारा भी खेला जाता था, जिसके एक नोटेड एग्जाम्पल स्वयं महान अकबर हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी और ये कुछ एक तथ्य हैं जिससे भारत महान कहलाया जाता है। क्या बोलते हैं, है ना, भारत महान। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आपके मन की बात कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स के साथ आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने का, ये वीडियो देखने का। धन्यवाद।